नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारी क्लासिकल एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग सीरीज में, जिसमें दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने पार्ट नंबर 376 के बारे में। और जिस पॉइंट की दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, पॉइंट है हमारा गवर्निंग वेसल्स का 6 नंबर पॉइंट। तो दोस्तों पहले हम इसकी लोकेशन जानते हैं, इसकी लोकेशन क्या होती है GV6 की, इसके बेनिफिट के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले इसका एक डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा डायग्राम है, ये हमारी सैक्रम और टेलबोन वाला एरिया है, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा नंबर 5, 4, 3, 2, 1 T12, T11 और T10, ठीक है। यानी कि हमारा थोरेसिक है। तो दोस्तों ये हमारा थोरेसिक, थोरेसिक 12 और थोरेसिक 11 दोनों के बीच में दोस्तों ये पॉइंट होता है हमारा गवर्निंग वेसल 6 नंबर पॉइंट, ठीक है। ये GV6 पॉइंट आ गया हमारा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बेनिफिट के बारे में, इसके क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या रोग, क्या क्या समस्याएं इससे ठीक होती है, वो जान लेते हैं, ठीक है। तो नंबर वन दोस्तों, अगर किसी को एनस प्रोलैप्स की प्रॉब्लम हो, एनस प्रोलैप्स यानी कि गुदा द्वार किसी का बाहर आएगा, तो उसमें दोस्तों ये आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। नंबर दो, अगर दोस्तों किसी को स्प्लीन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, स्प्लीन यानी कि तिल्ली प्रिहार जिसे बोलते हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस पॉइंट से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, भूख कम, अगर किसी को भी भूख कम लगती हो तो उस भूख कम लगने में आप ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं, GV6 पॉइंट से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एनएस प्रॉब्लम्स ये अपने आप में बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम है, आसानी से ठीक होने वाली प्रॉब्लम नहीं है। मेडिकल साइंस में तो इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है, सर्जरी वगैरह कर देंगे बस या कट वगैरह कर देंगे, लेकिन मेन जो उसका एक तरह से रीग्रोथ जो उसकी हो रही है उसको नहीं रोक पाएंगे, जो वो उसकी मसल्स जो लूज हो गई है, जिनकी ग्रिप वगैरह नहीं बन पा रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट से जब आप ट्रीटमेंट देंगे तो क्या होगा, यहाँ से एक एनर्जी सर्कुलेट होगी जो जाके इन सभी पॉइंट्स पे इन सभी चीजों को स्ट्रॉन्ग करेगी, चाहे एनएस प्रॉब्लम्स हो, स्प्लीन हो, स्प्लीन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यानी कि स्प्लीन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम बॉडी में हो, या भूख कम लगती हो तो भूख भी आपको अच्छी लगने लगेगी। तो इन सभी का आपको ट्रीटमेंट करना है, तो GV6 आपको पॉइंट लेना है, इस पॉइंट को आपको डिटेक्ट करना है, यानी कि आपको ढूंढना है इस पॉइंट को, T11 और T12 के बिल्कुल बीचों बीच पड़ेगा इस पॉइंट पे, ठीक है। आधा मिनट के लिए इस पॉइंट को दबाना है, जितना सामने वाला बर्दाश्त कर पाए, टॉलरेट कर पाए, उतने प्रेशर से दबाना है, ज्यादा टाइट प्रेशर नहीं देना है। इस तरह से आपको ट्रीटमेंट करना है आधा मिनट के लिए, ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती चली जाएगी। तो इसी तरह से दोस्तों आपको इन चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये बैक साइड है दोस्तों, स्पाइन वाला पॉइंट है, स्पाइन वाली साइड है बैक साइड, ठीक है, यानी कि यांग साइड, ठीक है, यांग साइड, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आपको हर एक पॉइंट की लोकेशन को अच्छे से देखना है, तभी आप ये सारा ट्रीटमेंट कर पाओगे। रूटीन में अपने ध्यान रखना है, कोई भी आप मिस्टेक ऐसी ना करें, अपने सिटिंग पोस्चर को अच्छा रखें, कोई भारी ऐसी चीज ना खाएं जो आपको पचती ना हो, जो खाना आपको पचता हो वही खाना खाएं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह से जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।